मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना दूरदर्शी, इतना विजनरी बजट पेश किया है। मैं आज सुन रही थी पूरा बजट, उसको लेकर सवाल करूंगी मैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो ज्वलंत मुद्दा है राजस्थान का, वो था पेपर लीक। इलेक्शन का भी इशू बना था। आपकी सरकार में सिट ने, सिट के आने के बाद में 100 एग्जाम्स हो गए हैं, साफ सुथरी एग्जाम्स हो गए हैं। साथ ही आपने जो युवाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, करीब 10 लाख की नौकरियों की घोषणा की है आपने। इसमें जो युवा वर्ग है उसमें एक नई आशा की किरण हम आज देखते हैं। इसलिए मैं इंटरव्यू युवा वर्ग से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि युवा वोटर बहुत अहम रहता है हर चुनाव में। तो युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व की कांग्रेस सरकार में जिस तरह से जो पेपर होता था वो लीक होता था, युवा जिस सपने को देख करके पेपर देता था उनके सपने चकनाचूर हो जाते थे। कई युवाओं ने आत्महत्या भी की, क्योंकि युवा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जब पढ़ने आता है तो उसके पिताजी उसको कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। मैं गांव से आता हूँ, मैं देखता हूँ, और उन युवाओं के सपने जब वो पेपर लीक होते तो चूर चूर हो जाते थे। युवा खून के आंसू बहाता था। हमने हमारे संकल्प पत्र में भी रखा जी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को, सपनों को चूर चूर करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने भी स्टार्ट पेपर लीक से की है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने 100 से ज़्यादा ऐसे उन पेपर लीक वालों को गिरफ्तार किया है और आगे भी हमारा चल रहा है। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जिन्होंने युवाओं को, सपनों को चूर चूर किया है, हम उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शेंगे। और हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। रहा युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को सहारा देने का, मैं आपसे कह सकता हूँ किसी प्रदेश की, किसी देश की रीढ़ की हड्डी होता है युवा। जी। युवा आगे होगा, तुम्हारा प्रदेश भी आगे होगा। हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, और हमने वायदा किया था कि हम युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर भी तलाश करके रोजगार भी हम देंगे। हमने आज कहा है हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरी देने का काम करेंगे। और हमने इसीलिए निर्देशित किया है कि युवाओं का एक विज्ञप्ति का कैलेंडर बनेगा। हमें पता रहता है आने वाले अगले महीने में कितने रिटायर होने वाले हैं, 3 महीने में कितने रिटायर होने वाले हैं, 5 महीने में कितने होने वाले हैं, 1 साल में कितने होने वाले हैं, वो भी होंगे। और आवश्यकता अनुसार जो वैकेंसी आएंगे बढ़ाएंगे, उनको भी करेंगे। हमने ये भी कहा है कि बिना हाथ पैर के काम नहीं चलता है, क्योंकि वैकेंसी हैं, अगर उनको भरा नहीं जाए तो सरकार के जो काम हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। तो हमने आज निश्चित रूप से कहा है और आने वाले समय में हम करेंगे। 22,000 युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र देने का भी काम किया है, इसलिए पूर्ण रूप से युवाओं के सपने जो देखे हैं उनको पूरा करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। जी बिल्कुल, आपने डबल इंजन की सरकार की बात की और हम देख रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार में जो कहीं ना कहीं कुछ घोटाला होना या काम क्रियान्वित नहीं होना, तो जैसे फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन है, तो हम देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन में आपने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि उसको, उसमें रफ्तार आएगी, 25 लाख जो फैमिलीज हैं उनको पानी का कनेक्शन मिलेगा। साथ ही ERPC ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो गई है, पटरी पर आ गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात राजस्थान के लिए पानी की रहती है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सिंचाई का पानी हो। कांग्रेस की सरकार ने ERCP की योजना 2013-14 में हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको लटकाने का, रटकाने का काम किया। वो सिर्फ ERCP के नाम पर वोट मांगते रहे। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ERCP को हम ले करके आएंगे और हमारे राजस्थान के 13 जिलों को उसका फायदा मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगात दी और उनके निर्देशन पर हमारा ERCP और यमुना जल समझौता हुए, जिससे कि हम पीने का पानी तो देंगे ही, लेकिन ERCP के माध्यम से 2,80,000 हेक्टर को सिंचाई का पानी भी देने का काम करेंगे। आज वो हमारी योजना हमारे मध्य प्रदेश से और राजस्थान और केंद्र से समझौता हुआ, और इसी तरह से हरियाणा और केंद्र सरकार से हमारा समझौता हुआ। सर, अपन ने पानी की बात कर ली, युवाओं के लिए खैर रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने देखा है कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में आपने काम किए हैं, न्यू प्लांट्स हैं, कहीं ना कहीं शौर्य ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को सेल्फ रिलायंट बनाना, और इसमें फिस्कल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। सरकारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ एक MOU कर रहा, क्योंकि आपको जो कर्ज मिला है वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कर्ज बार जो मिला है, लेकिन शौर्य ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्लांट्स लाना और गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, PSUs के साथ ये करना, तो एक फिस्कल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, मतलब हमारा ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होएगा और काम भी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी प्रदेश के विकसित बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिजली पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिजली के ऊर्जा के क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपये घाटा हमें मिला। यही नहीं, उन्होंने 5 साल के अंदर एक भी प्लांट नहीं लगाया, बिजली उत्पादन का 0% काम किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने लास्ट में जाते जाते सिर्फ घोषणाएं की कि हम इतना कनेक्शन देंगे। अरे भाई, जब आपके पास कुछ है नहीं तो कनेक्शन कैसे देंगे। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए कह सकता हूं, हमारी केंद्र की सरकार को हमने 2 महीने के अंदर 1,65,000 करोड़ रुपए के ये MOU किए, और इसी तरह से 65,00,000 करोड़ रुपए का एक किया। और हम कह सकते हैं हमने जो किसानों से वायदा किया है, आने वाले समय में 2027 तक किसानों को भी हम दिन में बिजली देंगे। बिजली के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, बिजली खरीदने वाले नहीं, बिजली उत्पादन करके बिजली बेचने वालों में हम रहेंगे जी। क्योंकि हमें भरोसा है, आज हमारे पास जिस तरह से सौर ऊर्जा के माध्यम से, कुसुम योजना के माध्यम से, हमारे पंप स्टोरेज के माध्यम से जो हमारे पास योजनाएं हैं और हम उसकी क्रियान्विति कर रहे हैं, हमने आज भी कहा है बजट के अंदर कि 2027 तक हम किसानों को पूरी बिजली देंगे, उद्योग के लिए भी देंगे और घरेलू बिजली भी देंगे और घरेलू कनेक्शन भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम किसानों को भी कनेक्शन देने का काम करेंगे, हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। सर, एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आपने एकदम, जो कहते हैं ना कि कोई लोग तो मरहम पट्टी लगाते हैं ऊपर से, बैंडेड लगा देते, लेकिन आपने एक्चुअली बुनियादी स्तर पर जाके आपने जो घोषणाएं की हैं, आज उस तरह का बजट देखने को मिल रहा है। और अगर हम सड़कों की भी बात देखें तो 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, मतलब जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाना, ये मतलब विकास और इंडस्ट्री को तो बढ़ावा देगी, साथ ही जो लोगों के लिए आवाजाही का साधन भी होएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसका भी आपने अनाउंसमेंट किया। देखिए, मैं राजस्थान, आपने देखा है राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है, उद्योग के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। यहाँ हमारे अभ्यारण्य हैं, उस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं होगा तो हम उस ओर नहीं बढ़ सकते। हमें इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ना है, हमें पर्यटन की ओर बढ़ना है, हमारे इस तरह के जो मंदिर हैं और हमारे धरोहर हैं वहाँ भी हमें पर्यटक को बढ़ावा देना है। इन सभी विषयों के लिए आवश्यक है कनेक्टिविटी जी, और उस कनेक्टिविटी के माध्यम से हम राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, इसलिए हमने 9 ग्रीन फील्ड देने का काम किया है। यही नहीं, हमने जिले से उपखंड तक के जो रोड हैं उनको सभी को हमने सिंगल से डबल करने का काम किया है। 53,000 किलोमीटर के रोड बनाने का काम हमारी सरकार ने हाथ में लिया है, जिसकी लागत 60,000 करोड़ रुपए आने वाली है। आने वाले समय में
जो हमने कहा है हम करके दिखाएंगे। सर इसमें बड़ी बात यह है कि इस तरह का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो बिजनेस अपने आप आएगा, और आपने इन्वेस्ट राजस्थान दिसंबर में प्लान किया है, साथ ही जो बाहर रहने वाले राजस्थानी से NRI या जो बाहर रहते हैं राजस्थानी उनको भी बुलाना, क्योंकि उनको भी आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका भी योगदान राजस्थान में हो, तो इसकी क्या प्लानिंग है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे, पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव थे, मुझे देश के प्रमुख प्रदेशों में जाने का, वहाँ की राजधानियों जाने में एक अवसर मिला। मैंने वो प्रवासी राजस्थानी हैं उनका देखा, मैंने प्रवासी राजस्थानी हैं, उद्योगपति हैं, उन सब से मैं मिला। उन सब का दर्द था कि हम राजस्थान आना चाहते हैं, हमने कहा आप आइए। उनकी सुविधा के लिए हमने यही कहा है कि प्रवासी राजस्थानी का हम 3 दिन का मेला भी लगाने वाले हैं, वो आएंगे और अपने अपने क्षेत्र में वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं निश्चित रूप से वो काम करेंगे। और समिट राजस्थान के लिए हमने दिसंबर में समय मांगा है, निश्चित रूप से हम दिसंबर में उसको भी करने वाले हैं। हम कहना चाहते हैं राजस्थान के अंदर चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के हो, हम उन सबको पर्यटन से लेकर के जोड़ करके हम हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं उनका आह्वान करते हैं कि आप आइए और हमारे राजस्थान में आप आकर के अपना काम करिए। और हमने ये भी कहा है कि प्रवासी राजस्थानियों को जहाँ हमारी बाहर के प्रदेशों की राजधानी है हम वहाँ एक राजस्थान हाउस बना करके वहाँ उनको लाने का और उनसे कनेक्टिविटी करने का भी प्रोग्राम हमारा है, उसकी भी हमने घोषणा की है कि हर प्रदेश के अंदर राजस्थान हाउस होगा जहाँ उनसे हमारी कनेक्टिविटी होगी, हमारे लोग उनसे हमेशा संपर्क में रहेंगे जिससे कि वो यहाँ करके अपने व्यापार को भी बढ़ाएं, राजस्थान के लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। और हमारी योजना ये भी है कि हमारा NRI को जो इसमें है उसको भी हम आमंत्रित करेंगे। यहाँ हमने सिंगल खिड़की सिंगल विंडो के लेकर के उनका काम भी करेंगे। आने वाले समय में राजस्थान में उद्योग किस तरह से बढ़े, पर्यटन किस तरह से बढ़े, निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करे। राजस्थान हाउस में दाल बाटी चूरमा जरूर रखेगा मेन्यू में। निश्चित बिल्कुल। सर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल इंडिया अच्छा कर रही है ओलंपिक्स में, हमारे यहाँ से भी आपके मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़ हो गए हैं, हॉर्स राइडिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स की पॉलिसी क्या है? और सिर्फ ओलंपिक्स का मैं नहीं कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपने स्टेट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सबको वो जो राजस्थान खेल जो है उसको आप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए राजस्थान हमेशा से शक्ति और भक्ति की धरती है, महाराणा प्रताप महाराजा सूरजमल की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की धरती है, माँ पन्नाधाय की धरती है, माँ अमृता देवी की धरती है, मीराबाई की धरती है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर फोर्स में जाने वाले हैं तो हमारा शेखावाटी से लेकर जोधपुर से लेकर के भरतपुर से लेकर के हमारे लोग सीमाओं पर रक्षा करने वाले होते हैं। हमारे यहाँ का जो टैलेंट है, हमारा यहाँ का गांव का जो युवा है वो खेल में किस तरह से आ गया है, इसलिए हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। हमने हमारे संभागों में महाविद्यालय बने उसकी घोषणा की है, जिलों में सेंटर बने उसकी घोषणा की है, जिले में एक खेल या दो खेल लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, नीचे से खेलो राजस्थान के माध्यम से उन प्रतिभाओं को किस तरह से आगे लाया जाए, इसलिए हमने 2036 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा राजस्थान का युवा किस क्षेत्र में आगे बढ़े, हमने उन सभी संभावनाओं को खोलते हुए यूथ को आगे ला करके हमारा हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़े, इसके लिए हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया है। और घोषणा ही नहीं, इसके आने वाले समय में कोच की भी भर्ती करेंगे, PTI की भी भर्ती करेंगे, जिससे नीचे से उनको हमारी जो प्रतिभाएं उनको तलाश करके उनको लेकर के आए हैं, ये हमारी सरकार करेगी। सर प्रधानमंत्री ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम, आपने तो 7 करोड़ पेड़ों का तो कह दिया है, साथ में आपने मातृवन की भी घोषणा कर दी है, कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है, पर आपने उसी को एक पेड़ माँ के नाम को लेकर आपने पूरा ग्रीन बजट तैयार कर दिया है, मतलब वन पेड़ तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही मातृवन भी तैयार करेंगे।
देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विजन जिस तरह से है, आपने देखा होगा जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम, इसी तरह से आपको ध्यान हो 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया था। हम राजनीति नहीं, हम सामाजिक सरोकार के काम भी हमारी पार्टी करती है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता मिशन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, या पर्यावरण की दृष्टि से हो। जरूर हमारी सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके उस एक पेड़ माँ के नाम पर राजस्थान सरकार ने भी 7 करोड़ पेड़ लगाने का दृढ़ संकल्प किया है, जिसमें क्यों आपने देखा होगा राजस्थान की हमारी माँ अमृता देवी और उनकी बेटियों ने वृक्ष के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये पहली मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर जो पेड़ों के लिए अपने आप को नौछावर करने वाली माँ अमृता देवी। तो माँ अमृता देवी उद्यान बनाते हुए, मात्र उद्यान बनाते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी और हमने काम प्रारंभ कर दिया है हर क्षेत्र में। हमने वन मित्र बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो हमारे ऐसे रिटायरमेंट वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वन मित्र बनाया है हमने। नरेगा के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में 5 व्यक्ति को चयन होगा जो सिर्फ वृक्ष लगाएंगे ही नहीं, वो उनकी परवरिश करने का काम भी करेंगे। इसके माध्यम से राजस्थान भी पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़े। राजस्थान में वर्षा वैसे ही कम होती है, निश्चित रूप से हमारे पेड़ लगेंगे तो एक राजस्थान में वर्षा भी होगी, पर्यावरण भी ठीक होगा और एक अच्छा राजस्थान, ग्रीन राजस्थान बनेगा, इसकी कल्पना है। तो दूसरा जो हेल्थ सेक्टर है उस पर बहुत अच्छा बजटरी एलोकेशन है, बहुत कुछ किया है आपने हेल्थ में। मैं बस ये जो एक माँ योजना के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक बहुत दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आपने एक तो कहा है कि जो एम्पैनलमेंट है उसमें क्या है कि अगर गांव में होता तो बड़े अस्पताल, इतने बेड के अस्पताल, उन्हीं का एम्पैनलमेंट होता। अगर वो बेड के अस्पताल का आपने कम कर दिया है कि अगर नो कम बेड के अस्पताल भी होंगे तो भी उसका एम्पैनलमेंट होगा, उससे क्या होगा कि उसका फ़ायदा धरातल तक पहुँचेगा। दूसरा, आपने जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए वाउचर्स ताकि उनकी जाँचें हो, क्योंकि इन्फेंट मोर्टैलिटी, मटर्नल मोर्टैलिटी एक बड़ा विषय है हमारे लिए। और तीसरा जो आपने किया है, जो बहुत ही संवेदनशील निर्णय है, आपने एक मॉर्चुरी का कि हर विधानसभा असेंबली सेगमेंट में CHC में एक मॉर्चुरी हो, एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कुछ बुनियादी सुविधाएं आवश्यक हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी। चिकित्सा हमारा महत्वपूर्ण है, अगर वो गरीब आदमी को समय पर चिकित्सा नहीं मिलेगी उसकी स्थिति क्या होती है। हमने कहा है कि प्रसव पूर्व जांचें फ्री होंगी, उनका इलाज भी होगा। हमने कहा है कि हम उनको इंटरनेट से जोड़ने का काम करेंगे, हर व्यक्ति का कार्ड बनेगा जन्म से लेकर के, और वो कोड होगा उसका, और उस कोड के माध्यम से उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें आएगी। हिस्ट्री आएगी, वो दिखाने जाएगा तो उसकी पहले हिस्ट्री पूरी उसमें आएगी कि इसकी क्या बीमारी थी, किस तरह से है, कब इसने दिखाया, तो एक उस चिकित्सक को उसका पूरा फायदा मिलेगा। कई बार होता है 10 दिन पहले जाँच होती है, वो जाँच भूल के आ जाता है तो उसमें पूरी एंट्री होगी, डेटा एंट्री होगी उसकी, वो उसमें देखेगा, देख करके उसका पूरा इलाज होगा। ये भी एक आवश्यक है। इसके अलावा माँ योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना, इसके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक का बीमा दिया है, इसमें हमने बढ़ाया भी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसको भी लाभ मिलेगा, और उस योजना के माध्यम से बड़े छोटे जो अस्पताल हैं उनमें भी उसका फायदा मिले, जिससे गरीब व्यक्ति को उसका फायदा मिल सके, क्योंकि वो गरीब वहां तक आ नहीं सकता, तो उसको भी वो फायदा मिले। निश्चित रूप से हमारी ये योजना नीचे तक जाएगी और चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा काम होगा, इसकी हमने पहल की है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब व्यक्ति को फायदा मिले, ऐसी हमारी योजना। थोड़ा सा अगर बजट के पूरा ओवरऑल स्वरूप के बारे में मैं पूछूं, देखिए इकोनॉमिक्स आपने समझा दिया है, मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आपने कहा था मैं कोई भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूं,
पर अगर कोई यहाँ पे आता मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बन के आप जैसे आए हैं, बैठे आपने कुर्सी संभाली है, और इतना बड़ा कर्ज देखता तो उसका तो दिल बैठ जाता, पर आपने हिम्मत तो दिखाई है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 70 साल के अंदर जिस पार्टी ने प्रदेश और देश में जो राज किया है, उन्होंने उन सारी स्थितियों को बिगाड़ के रखा है। राजनीति, राजनेता, अगर इनको ठीक प्रकार से चलना है तो आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को ठीक करने का काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा ये गरीबी हटाओ का नारा कब से चल रहा है, आपने देखा होगा सड़क के नाम पर, बिजली के लट्ठों के नाम पर कितने दिन से वोट मांगे हैं। मेरे यहाँ की योजना है यमुना जल समझौता, कांग्रेस 50 साल से उसको बना रही है, चुनाव आता है हर चुनाव में उसका प्रचार करती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको ताज्जुब होगा, कांग्रेस ने एक पत्र तक नहीं लिखा 50 साल में, ना केंद्र को पत्र लिखा, ना हरियाणा सरकार को पत्र लिखा। अगर कोई पत्र लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत ने 94 में पत्र लिखा था। इसलिए उन्होंने जनता की आशा और आकांक्षाओं को धूमिल किया, जनताओं को धोखा देने का काम किया, और यही कारण है कि जनता के बीच में सरकार और राजनेताओं की दूरी पड़ी। क्योंकि उन्होंने हमेशा वोट की राजनीति की, सबको साथ लेके चलने के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिनके इरादे मजबूत हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का जज्बा हो, वो हर परिस्थिति में काम करते हैं। सर, इससे एक पे पर्सनल सवाल करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से इतने टाइम से जुड़े रहे हैं, जगह जगह आप राजस्थान में घूमे हैं, बाहर भी गए हैं, क्योंकि आप पार्टी के काम से जुड़े रहे, जो आपका ये सारा इतने सालों का जो ये धरातल पर पार्टी के लिए काम करने का जो अनुभव था, इसने आपको क्या सिखाया, और आप इस विजन को, इस अनुभव को बजट में कैसे ला पाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपका विजन है ये बजट। देखिए, संगठन में काम करते हैं तो सारी बातें सामने आती हैं, सरकार की योजनाएं भी आती हैं, धरातल पर कैसे उतरते हैं वो भी आती हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के होने के नाते, सरपंच होने के नाते, एक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते, हम उन सारी बातों को किस तरह से धरातल पर उतरती हैं ये हमने देखा है। और इसे देख करके हमें लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक गांव और गांव का गरीब, गांव का किसान उस जगह पर नहीं पहुंचेगा जहां न्याय होता है, जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। ये उनका सटीक था। आज आप देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से निकल करके आए हैं, उनको गरीब के दर्द को जानते हैं, वो किसान के दर्द को जानते हैं, वो माता के दर्द को जानते हैं, वो युवा के दर्द को जानते हैं, इसलिए वो जिस तरह से काम कर रहे हैं। और उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं की परिभाषा बदली है, देश में विकास का विजन उन्होंने बदला है, सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से उन्होंने की है, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया है, और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ये वो ही समझ सकता है जो माँ भारती से जी, अपनी धरती माँ से, अपने भारत माँ से प्रेम करने वाला होता है, और अपने उस समाज के नीचे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक लाभ पहुंचाने की बात कहते हैं, वहां तक उसका दर्द पहुंचना है जी। ये धड़क चाह सकती अगर होगी तो निश्चित रूप से काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुख्यमंत्री भजन लाल जी बता रहे थे कि क्या विजन रहा है उनका, और ये ऐसा बजट है कि दो दूरदर्शी बजट है, अगले सिर्फ एक साल नहीं, 5 साल और उसके आगे 2047 विकसित भारत का एक बजट तैयार किया है, और साथ ही इसमें पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, इसमें अननेसेसरली जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होते हैं इलेक्टोरल गेन्स के लिए, उस टाइप का बजट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, लोगों की जो आपने कहा कि क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से हैं,
लोगों का दर्द समझकर ये बजट बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, NDTV से खास इस बातचीत के लिए। थैंक यू सर।